अच्छा बेटे, मैंने आपको ये बोला कि जो सबसे पहला न्यूमेरिकल किया था, क्योंकि वो आसान कैलकुलेशन है बेटा, तो मैं सबसे पहले उसी सवाल को टाइप टू का बना के आपको दे रहा हूं। जब वो टाइप वन का सवाल था तो देखो बेटा, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, C2H5OH CH3COOH CH3COO C2H5 वाटर। बेटा जब ये सवाल टाइप वन का था तो इस सवाल में इन दोनों की इनिशियल और उसकी इक्विलिब्रियम गिवन होती थी। अब जब ये सवाल टाइप टू का बन गया ना, तो बेटा इनिशियल इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड दोनों की गिवन होगी कितनी, 3 मोल्स, और केसी गिवन होगा 4। हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है दोनों की, ठीक है भाई। इनिशियल इथाइल अल्कोहल की 3 मोल्स, एसिटिक एसिड की 3 मोल्स, केसी की वैल्यू गिवन है 4। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब ये काम कैसे होगा ध्यान से देखें सारे। इक्वेशन के नीचे क्या लिखते हैं, आइस इनिशियल चेंज और कंसंट्रेशन। अब बेटा इनिशियल वाली लाइन में जिसके जितने इनिशियल मोल्स गिवन होते हैं वो आप लिख देते हो। जैसे भाई इथाइल अल्कोहल के इनिशियल कितने गिवन है बेटा, 3। एसिटिक एसिड के इनिशियल कितने गिवन है, 3। इन दोनों के इनिशियल कुछ भी गिवन नहीं है तो 0। बेटा चेंज को हमेशा की तरह आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स से, जो कि रिएक्टेंट्स में से माइनस होता है और प्रोडक्ट्स में प्लस होता है। तो इथाइल अल्कोहल कोफिशिएंट 1 है -1x, एसिटिक एसिड कोफिशिएंट 1 है -1x, इथाइल एसिटेट कोफिशिएंट 1 है तो +1x, वाटर का भी कोफिशिएंट 1 है तो +1x। मैंने क्या बताया था बेटा आपको, इनिशियल और चेंज को मिला दो तो क्या बन जाती है, इक्विलिब्रियम। तो इथाइल अल्कोहल की इनिशियल 3, इक्विलिब्रियम -x, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा 3 -x। एसिटिक एसिड का भी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 3 -x। इथाइल एसिडेट का क्या हो जाएगा, 0 + x x। वाटर का भी 0 + x क्या आ जाएगा, x। अब मैंने क्या बताया था कि ये क्या कहलाते हैं, इन सब के इक्विलिब्रियम मोल्स के एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। ये इन चारों के इक्विलिब्रियम मोल्स के एक्सप्रेशंस गिवन है। टाइप वन में हमें किसी ना किसी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती थी, और मैंने आपको क्या बताया था कि जिसकी भी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी हम उसको उसके एक्सप्रेशन के बराबर ले लेंगे। लेकिन यहाँ किसी की भी इक्विलिब्रियम गिवन नहीं है बल्कि केसी गिवन है, तो बेटा हम वी नो दैट केसी, बेटा न्यूमिरेटर में क्या आता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स। दो प्रोडक्ट्स हैं, इथाइल एसिटेट पावर 1 और वाटर पावर 1। दो रिएक्टेंट्स है बेटा, इथाइल अल्कोहल पावर 1 और एसिटिक एसिड पावर 1, सबकी पावर 1। अब देखो केसी की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, तो हमने केसी की जगह लिख दिया 4, ठीक है। इक्विलिब्रियम इथाइल एसिटेट का एक्स आया, वाटर का भी एक्स, इथाइल अल्कोहल 3 - x, एसिटिक एसिड भी 3 - x। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि एक्स इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसिटेट एंड सेम एक्स इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करना है। अब देखो कैसे करेंगे बेटा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं इसको मैं, 3 - x इंटू 3 - x, 3 - x² लिख सकता हूं, यानी इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूं बेटा मैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स का होल स्क्वायर, 3 - x इंटू 3 - x, 3 - x का होल स्क्वायर। तो ये पूरा न्यूमिरेटर भी स्क्वायर है, पूरा डिनोमिनेटर भी स्क्वायर है,
तो x अपॉन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब बेटा मैं रूट ले लूंगा दोनों तरफ, इसके रूट से स्क्वायर कैंसिल, 4 का रूट किसके बराबर आ जाएगा 2 के। ठीक है भाई, स्क्वायर हटाना है तो मैंने दोनों तरफ रूट ले लिया, इस रूट से स्क्वायर कैंसिल, 4 का रूट किसके बराबर आ गया बेटा 2 के, तो 4 का रूट आ गया 2 और ये x अपॉन 3 माइनस एक्स रूट से आ गए बाहर। बेटा 3 माइनस एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ 2 से आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 6 माइनस 2x इज इक्वल टू x। बेटा माइनस 2x उधर जाके प्लस 2x हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 2। यही वैल्यू थी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की वहां पर, है भाई x की वैल्यू यही थी ना 2। तो देखो यहां पे हमें केसी गिवन था, हमने उससे x की वैल्यू फाइंड कर ली। हाँ भाई समझ में आया सबको? वैसे भी बेटा टाइप 2 में कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है, टाइप 2 में वैसे भी कैलकुलेशन ज्यादा है, जब आप नॉर्मल थ्योरी में भी करते हो तो कैलकुलेशन ज्यादा ही होती है, जैसे यहाँ पे भी है। तो सीधी सी बात है बेटा, मैथ्स का थोड़ा बेहतर होना रिक्वायर्ड है यहाँ पे। अच्छा भाई कैलकुलेशन रिपीट कर रहा हूं, देखो इस फॉर्मूले में हम लगाते हैं इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज, केसी तो 4 है, 4 लगा दिया, इथाइल एसिटेट इक्विलिब्रियम पे x, वाटर इक्विलिब्रियम पे x, इथाइल अल्कोहल 3 माइनस x, एसिडिक एसिड 3 माइनस x। अब देखो x का होल स्क्वायर होगा, नीचे डिनोमिनेटर 3 माइनस x इंटू 3 माइनस x, 3 माइनस x का होल स्क्वायर होगा। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x अपॉन 3 माइनस x इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें से स्क्वायर हटाने के लिए मैंने क्या कर लिया, दोनों तरफ रूट ले लिया, 4 का रूट किसके बराबर आता है 2 के, इस बेटा x अपॉन 3 माइनस x का होल स्क्वायर था, तो बेटा स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो 4 का स्क्वायर आ गया 2 और ये x अपॉन 3 माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो ये आ गया बेटा पूरा डिनोमिनेटर 3 माइनस x इधर आगे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 10 6 हो जाएगा, 2 इनटू माइनस x माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू x रह गया। माइनस 2x उधर जाके प्लस 2x होगा, 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x, तो 6 बराबर आ गया 3x के। ठीक है बेटा 3 इधर आगे डिवाइड होगा, x किसके बराबर आ गया 2 के। दैट्स हाउ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। हाँ भाई और कोई? बेटा क्या फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही नहीं था आपने न्यूमेरिकल? जी बेटा बाकी लोग जल्दी से बताइए। अलीना, दानिश, ईमान, फबीहा, फायजा, फारिया, फरवा, फिलजा, हदीका, हफ्सा, है भाई आए जरा आप। 2015 वाला वो न्यूमेरिकल जिसे अक्सर लोगों ने नामुमकिन कह के बच्चों को कटा दिया था कि भाई नहीं करा रहे। 2015 का एनटीएस मैंने आपको बताया था कि सिंध की हिस्ट्री का सबसे मुश्किल एनटीएस था 2015 और सबसे आसान था 2018। और जो 2015 सिंध की हिस्ट्री का सबसे मुश्किल एनटीएस था वो केमिस्ट्री सेक्शन उसका सबसे ज्यादा टफ था, और उसके अंदर हर सवाल में ही ऐसा कुछ उल्टा सीधा दिया हुआ था, तो ये सवाल भी काफी उल्टा सीधा था। अच्छा भाई ये मैं पूरा सवाल लिखवा रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं बेटा, लिखे जरा, मैं सॉल्यूशन करूंगा इसका। हाँ भाई लिखे, हाँ भाई बोलू सवाल, बोल रहा हूं बेटा ध्यान से सुने और लिखे। द केसी फॉर द रिएक्शन
the Kc for the reaction. इसके बाद इक्वेशन है N2 plus O2 2NO. The Kc for the reaction N2 plus O2 2NO is 0.1. Full stop. What will be the equilibrium constant of nitric oxide NO? What will be the equilibrium concentration of nitric oxide NO if the initial concentrations of N2 and O2 is 0.1 m, capital M लिखोगे तो वही होता है mole per dm cube, 0.1 m each. लिख लिया सबने बेटा? हाँ भाई, क्वेश्चन लिख लिया सबने? Kc वैल्यू भी 0.1 है. ठीक है भाई, NTS 2015 का सवाल है बेटा. इस रिएक्शन की Kc वैल्यू गिवन है 0.1. दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है 0.1 0.1 मोल पर डीएम क्यूब. आपको NO नाइट्रिक ऑक्साइड की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है. चलिए जरा खुद से करने की कोशिश करें पहले. है भाई, जरा खुद से भी तो करने की कोशिश करें. हाँ भाई, सबसे पहले इनिशियल चेंज और इक्विलिब्रियम. बेटा सवाल में कहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.1. तो मैंने बताया था कि इनिशियल जिसकी जितनी गिवन होती है बस वो आप इनिशियल वाली लाइन में लिख देते हो, और जिसकी गिवन नहीं होती उसके नीचे क्या लिख देते हो, जीरो. तो नाइट्रोजन की इनिशियल 0.1 गिवन थी, ऑक्सीजन की 0.1 गिवन थी, तो वो लिखती बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड की कुछ भी गिवन नहीं थी तो जीरो. चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से, जो रिएक्टेंट्स में से माइनस और प्रोडक्ट में होता है प्लस. बेटा नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है तो इसके नीचे माइनस 1x, ऑक्सीजन का भी 1 है तो माइनस 1x, NO का 2 है तो प्लस 2x, क्योंकि बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्ट में है इसलिए प्लस. इनिशियल और चेंज इक्विलिब्रियम बन जाता है 0.1 माइनस x, 0.1 माइनस x और 0 प्लस 2x, 2x आ गया. बेटा ये इन तीनों के इक्विलिब्रियम मोल्स के एक्सप्रेशन आ गए हमारे पास. इनको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी. बेटा सवाल में वॉल्यूम गिवन नहीं है तो आप अज्यूम करोगे 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ वी नो दैट केसी, बेटा केसी रेशियो है जिसके न्यूमिरेटर में आता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट. एक ही प्रोडक्ट है एनओ, कोफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर आ गया. डिनोमिनेटर में एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स है बेटा, नाइट्रोजन पावर 1 आ जाएगा, ऑक्सीजन पावर 1 आ जाएगा. अच्छा भाई वैल्यूज लगा दो. केसी की वैल्यू गिवन है 0.1, एनओ के इक्विलिब्रियम कितने आए हैं 2x होल स्क्वायर. ठीक है बेटा, नाइट्रोजन 0.1 माइनस एक्स, ये भी 0.1 माइनस एक्स. फिर बेटा ऑलमोस्ट वही केस आ गया बेटा, न्यूमिरेटर कंप्लीट स्क्वायर है 2x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर बेटा 0.1 माइनस एक्स इंटू 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, 2x अपॉन 0.1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. रूट लेना पड़ेगा बेटा दोनों तरफ,
तो 0.1 का रूट और यहां 2x अपॉन 0.1 माइनस एक्स होल स्क्वायर का रूट, यहां बेटा स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, 0.1 का रूट कितना आएगा? अब अगर आपने कैलकुलेटर से ले लिया तो कोई फायदा नहीं है। देखो बेटा 0.1 का रूट कैसे आएगा, रूट 0.1, मैंने क्या बोला था, जब भी आप डेसिमल को खत्म करके फ्रैक्शन बनाते हो तो आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाती है। तो बेटा 0.1 का रूट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/10 का रूट, और बेटा 1/10 को मैं 1/9 के बराबर ले लूंगा अप्रोक्सीमेशन, ठीक है भाई। 1/9 का रूट आ जाएगा, 1 का रूट 1 होता है, 9 का रूट 3 होता है, तो क्या आ गया 1/3। तो मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड निकाला है बेटा, ऑब्वियसली यही तो ट्रिक्स होती है। 0.1 इज 1/10, ये तो सही है, मैंने इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लिया, 1/9 कर लिया, ठीक है भाई। 1/9 करने से फायदा क्या हुआ बेटा, 1 रूट से बाहर आएगा 1, 9 रूट से बाहर आएगा 3, तो रूट कितना आ गया 0.1 का 1/3, तो बेटा हटा के 1/3 लगा दूंगा, ठीक है बेटा। रूट 0.1 किसके बराबर आया 1/3 के, तो रूट 0.1 हटा के क्या लगा दिया 1/3, यहां बेटा स्क्वायर खत्म हो चुका है, तो 2x/3 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे बेटा, 3 इधर चला जाएगा, 3 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, तो 3 माइनस एक्स जब इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, जब 3 उधर जाके 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6x, माइनस एक्स इधर आएगा, 3 बराबर आ जाएगा किसके 7x के, ठीक है भाई। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी 3/7, अच्छा एक मिनट, ये 3 पता नहीं कहां से आ गया, 0.1 माइनस एक्स है बेटा, सॉरी मैं बोल रहा हूँ वैल्यू इतनी बड़ी कहां से आ गई, ठीक है भाई। तो 0.1 का रूट हटा के हमने क्या लगा दिया 1/3, और ये बेटे 2x/0.1 माइनस एक्स, ये स्क्वायर हो गया खत्म। अच्छा भाई ये 0.1 माइनस एक्स इधर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.1 माइनस एक्स, ये 3 उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो क्या हो जाएगा 6x, बेटा माइनस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो प्लस एक्स प्लस 6x क्या हो गया 7x, एक्स किसके बराबर आ जाएगा 0.1/7 या 1/70, एक ही बात है बेटा। आपको पता है ना, जब फ्रैक्शन में किसी एक का डेसिमल मूव करते हैं तो दूसरे का भी, यानी इसको मैंने इधर मूव किया तो ये 1 हो गया, तो बेटा इसका डेसिमल भी इधर मूव हो गया तो ये क्या हो गया 70, तो x की वैल्यू आ गई 1/70। अब 1/70 निकालना है, ठीक है, 0.10 लग गया, एक और जीरो ऊपर लगाया तो एक और जीरो लग गया, 1/70, 30 बचा, जीरो लगा दिया, 4/280 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.014, बेटा ये x की वैल्यू आई है, हमें किसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, नाइट्रिक ऑक्साइड की, बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड की इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट 2x के बराबर है, x की वैल्यू आ गई है, हमें 2x की वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.028, ऑप्शन बी था ये, ठीक है भाई, 0.028 इज द फाइनल आंसर। तो ये x की वैल्यू आई है बेटा, हमें नाइट्रिक ऑक्साइड की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बतानी है जो 2x के बराबर है, तो x की वैल्यू ये है, हमें 2x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0.028। बेटा ये NTS 2015 का क्वेश्चन है, तो बेटा न्यूमेरिकल केसी के मुकम्मल हो गए हैं, अब इंशाल्लाह अगली क्लास में हम करेंगे ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, जो थ्योरेटिकल पार्ट चैप्टर का बाकी है, यानी कि वो करेंगे।
अच्छा बेटा यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दी है लिंक, मैंने नहीं दिया था बेटा, वो मैंने आपको कहा था कि जो चैनल है यूट्यूब का उसको सब्सक्राइब कर लें, आपके पास खुद ही नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा कौन सी वीडियो अपलोड हो गई। वैसे भी चेक करते रहा करें चैनल को ताकि पता चल जाए। तो बेटा लास्ट आज से पहले वाली सारी क्लासेस की जो वीडियोस थी ये पिछले हफ्ते की दोनों क्लासेस की वो अपलोड हो चुकी है, ये वाली बेटा आज रात तक हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, आज के लेक्चर की भी, और कोई बात किसी को करनी हो तो कर लें, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। इक्वेशन नंबर टू कैसा होगा, कैसे होगा बेटा, खुद करना है ना ये, थोड़ा दिमाग चलाओ, ना हो तो फिर अगली क्लास में पूछना, दिमाग चलाओ तो सही ना। ठीक है भाई, सो दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।